नमस्कार, आप देख रहे हैं behu.com और SBCN टाइम्स। आज हम वार्ड क्रमांक 8 के निर्दलीय से बातचीत करने आए हैं। इन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है या नहीं, क्योंकि कल विधायक निवास पे जो स्वागत सम्मान कार्यक्रम आयोजित हुआ था, इस दौरान यह वहाँ पहुँचे थे और इन्होंने 8 नंबर में 182 वोटों से जीत हासिल की है। इनके पीछे बड़ा कार्यकर्ताओं का एक रैला भी देखा गया है, जो इनके पीछे पूरी लगन से लगा हुआ था और इनको जितवा कर लाए हैं। तो अब यह अभी निर्दलीय है या पार्टी की सदस्यता इन्होंने दी है, इनसे बातचीत करते हैं। जी, आपका स्वागत है। किस प्रकार की आपने निर्दलीय प्रत्याशियों के जीत हासिल की है? सभी कार्यकर्ताओं को सपोर्ट रहा है, कार्यकर्ता मुझे जीता है, जो सम्मानीय कार्यकर्ता उन्होंने संगठन के माध्यम से कार्यकर्ता का सहयोग किया जीता, क्योंकि निर्दलीय चुनाव की तरफ से जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता के बिना कार्यकर्ता का सहयोग रहा है और मेरे घर में अच्छी वोटों से जीत हुई है। तो धन्यवाद कार्यकर्ताओं के लिए। और मैं विधायक भवन पर पहुँचा था, पर वहाँ जाकर मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं कर ली है। उन्होंने पार्टी में 6 साल की निरीक्षण कर रखा है कि अभी पार्टी में जाना नहीं जाना, जो उसके आगे डिस्ट्रिक्ट हमारे पार्टी के कार्यकर्ता संगठन के कार्यकर्ता है जो भी लेंगे हमारे कमेटी के, और पदाधिकारी जो विचार विमर्श करें उसमें से बन। तो अभी आप निर्दलीय तौर पर ही हैं, अभी आपको पार्टी ने ना सदस्यता की, क्या है? अभी मैं निर्दलीय सदस्य में हूँ, पार्टी में नहीं गया हूँ, पार्टी में सदस्यता नहीं ली मैंने। आप जो कल विधायक निवास पर पहुंचे थे, इस दौरान आपको दुपट्टा वगैरह भी ओढ़ा गया, तो मतलब आप अभी पार्टी में हो या नहीं हो? अभी पार्टी में गया था, जब मैं और दुपट्टा ओढ़ा गया, सबको बंधा गया था, सम्मान किया गया, बाकी मैं पार्टी में नहीं हूँ। मैंने अभी पार्टी की सदस्यता भी नहीं ली और पार्टी में भी नहीं हूँ। पार्टी में जब जाऊँगा, जब हमारे कार्यकर्ता मंडल में बैठक होगी, उसके बाद हम विचार कार्यकर्ता बैठक विचार विमर्श करेंगे, उसके आगे आगे क्या कदम उठाना है उसके बाद हम देखेंगे। तो जैसा कि ये वार्ड क्रमांक 8 के निर्दलीय प्रत्याशी दुर्गा शंकर जी थे हमारे साथ, जिन्होंने का कहना है कि यह अभी निर्दलीय तौर पर ही हैं, इन्होंने अभी पार्टी ज्वाइन नहीं की है। इनका स्वागत सम्मान कल विधायक निवास पर जरूर हुआ था, लेकिन इनका कहना है कि यह इनके पीछे जो कार्यकर्ता हैं, जो मतदाता हैं, इनको जीता कर लाए हैं, वह उनके कहने के बाद ही या उनके साथ बैठक करके जो भी निर्णय होगा उसके अनुरूप ही यह आगे का अपना पक्ष रखेंगे। मेरा सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं बबलू दुलारी।